हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माय सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो भी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मैं आपको फिजिक्स में लगातार जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी बताता रहता हूं और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है, मतलब 15 से 20 नंबर के कम से कम या 30 नंबर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो इनको तो हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस बार भी 2024 में पूरा का पूरा चांस है कि ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। क्योंकि देखिए, अब तक जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए वो या तो आपके फर्स्ट चैप्टर से था या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ठीक है, मतलब इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और आगे भी जो बचे हैं उसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आज जो न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं तो उनके न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आपको बताया कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या होगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, ये न्यूमेरिकल लग जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए हम बेसिक से लेकर एडवांस तक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, पहले बेसिक वाले को देखेंगे जो छोटा सा है, उसके बाद हम आगे आगे जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव का वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से, VRMS मतलब RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अब B क्या है, क्योंकि हम विभव का वर्ग माध्य मूल मान हमें दिया गया है तो आगे हमने B लिख दिया, अगर धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया जाता तो आगे I लिख देते, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया गया है, देखिए 220 वोल्ट, कितना है 220 वोल्ट, ठीक। आपको निकालना क्या है, इसमें विभव का शिखर मान निकालना है, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखिए विभव का शिखर मान को हम लोग इग्नोर करेंगे, वी नॉट से, वी नॉट ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला लगा देना है, विभव का शिखर मान, विभव का शिखर मान, ठीक है। तो विभव के शिखर मान का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है बी नॉट इक्वल टू, वी नॉट इक्वल टू होता है वी आर एम एस और अंडर रूट टू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू को रख दीजिए, न्यूमेरिकल लग जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 220, ठीक है 220, और अंडर रूट टू आपका ऐसे ही रहेगा, और विभव का मात्रक होता है बोल्ट, ठीक है बोल्ट। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होगा। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना था, आपको विभव का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया था 220 वोल्ट, बी नॉट आपको निकालना था शिखर मान, तो विभव के शिखर मान का फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस अंडर रूट टू, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमें लगा देना है। वी आर एम एस की वैल्यू 220 थी, अंडर रूट टू ऑलरेडी था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड देखते हैं, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये भी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ही है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब उसी तरह है बट थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान
ये शीर्ष मान क्या है, जो मैंने अभी बताया था शिखर मान, चाहे उसको शीर्ष बोलिए चाहे शिखर बोलिए, दोनों सेम ही चीजें हैं। समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले शिखर मान बता दिया बाद में शीर्ष मान आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स अ सेम। ठीक है, तो शिखर मान या शीर्ष मान अंडर रूट 2 एम्पियर है। देखिए ये एम्पियर है क्योंकि धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी होगा और वो चैटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो चैटिंग में लिखते रहते हैं उल्टा सीधा। भैया आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से करो, चैटिंग ज्यादा मत कीजिए क्योंकि इसका समय बहुत पड़ा हुआ है और पढ़ाई करने का यही समय है, 12th बार बार नहीं आएगा। ठीक है, यही मौका है आपको परसेंटेज अच्छा लाने का। उनसे सीखिए जो टॉपर बने हैं, उनकी जुबानी सुनिए ताकि उनकी कहानी सुनकर आप भी थोड़ा मोटिवेट हो और अपने अंदर वो आग लेकर आए। ठीक है, अपने अंदर वो जज्बा लेकर आए। तो आप लोग उनकी कहानी सुना कीजिए क्योंकि आपको टॉपर बनना है, चैटिंग करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे अभी भी। देखिए क्या है, सिंपल सा है, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान हमें दिया गया है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई नॉट से। I not, जैसे हम विभव के शिखर मान या शीर्ष मान को V not से डिनोट करते थे, वैसे धारा के शिखर मान को हम I not से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो I not is equal to दिया गया है अंडर रूट 2A यानी कि अंडर रूट 2 एम्पियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे IRMS क्योंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान है भैया, तो IRMS कर दो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो लिखो धारा का वर्ग माध्य मूल मान, फॉर्मूला लगाएंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए फॉर्मूला लगभग वैसे ही होगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें शिखर मान निकालना था, तब तो हमने लिखा था आई नॉट इक्वल टू IRMS अंडर रूट 2, लेकिन यहां पर हमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग IRMS इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, I नॉट अपान अंडर रूट 2, लगभग उसी तरह फॉर्मूला। देखिए क्या करोगे, अगर आपको आई नॉट निकालना है तो भैया अंडर रूट 2 का गुणा IRMS से करना होगा, फॉर्मूला वही है, बट यहां पे आपका क्या है IRMS निकालना, तो मैंने साइड में कर दिया, लेकिन वहां पे विभव का शिखर मान था, विभव का वर्ग माध्य मूल मान था, लगभग सेम फॉर्मूला है, बट धारा की जगह पर विभव, विभव की जगह पर धारा, एक दूसरे से कन्वर्ट, बस हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बाकी का प्रोसेस इस साइड में कर देते हैं, देखिए क्या होगा, IRMS इक्वल टू, देखिए इसका मान हमें दिया गया है, आई नॉट का मान दिया गया है अंडर रूट 2, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2 ऑलरेडी है भैया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, तो IRMS इक्वल टू 1 एम्पियर लिखेंगे यहां पे, क्योंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान है तो 1 एम्पियर में आएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं था, दोनों लगभग सेम फॉर्मूले थे, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि IRMS की जगह पे वहां पे BRMS था और आई नॉट की जगह पर वी नॉट था। तो ये दो चीजें आपने इसमें सीख ली कि आखिर धारा का वर्ग माध्य मूल मान या विभव का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालें, धारा का शिखर मान विभव का शिखर मान कैसे निकालें, दो चीजें आपने सीखी। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल हो या कोई पॉइंट हो या कोई थ्योरी वाला मैं बताऊं टॉपिक, आपको उसमें से पॉइंट देखना है कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टर्म क्या है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, हमें धारा का शिखर मान दिया गया था, वर्ग माध्य मूल निकालना था, तो हमने धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला लगा दिया, एटलीस्ट हमारा 1 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था, मैं साइड में होता हूं, आप लोग इसको पहले डिनोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए क्योंकि इतना समय तक मैं लेफ्ट राइट नहीं रह सकता। ठीक है, मैं कोई ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ऑनलाइन है हम, तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है,
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का, ठीक है। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, यानी कि ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट हैं। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या कहा गया कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और तीनों पर अलग अलग विभव भी है। देखिए क्रमशः बताया गया, तो प्रतिरोध पर विभव कितना होगा, देखिए प्रतिरोध पर 40 वोल्ट विभव है, संधारित्र पर विभव है 20 वोल्ट और प्रेरण कुंडली जो आपका प्रेरकत्व है इस पर विभव है 50 वोल्ट। क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से दिया गया है, जो ऊपर दिया गया है पहले प्रतिरोध है तो इसका 40 वोल्ट होगा, ठीक है, फिर संधारित्र है इसका 20 वोल्ट होगा, फिर है प्रेरण कुंडली इसका 50 वोल्ट होगा। आपको परिणामी विभव निकालना है। अब देखिए कौन सा परिपथ है, पहचानिए ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कौन सा परिपथ है, ये है एलसीआर परिपथ। कौन सा परिपथ है, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ में तीन होते हैं, एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध, वो तीनों यहां पे हैं। देखिए संधारित्र भी है, प्रतिरोध भी है, प्रेरण कुंडली भी है, तीनों है, तो दैट्स अ एलसीआर परिपथ। तो इसमें आप लोग कैसे निकालोगे परिणामी विभव, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर दिया गया, इसको डिनोट करेंगे वी आर से। देखिए वी क्या है, विभवांतर, आर है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, तो इसका मतलब होगा कि प्रतिरोध के सिरों पर विभव, ठीक, ये हमें दिया गया है कितना, ध्यान से समझिएगा, ये हमें दिया गया है 40 वोल्ट। उसके बाद में हमें दिया गया है संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC। देखिए संधारित्र की धारिता को C से डिनोट करते हैं, V होगा विभव, तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर दिया गया है 20 वोल्ट। कितना दिया गया है ये, 20 वोल्ट। उसके बाद में क्या दिया गया है भैया, प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर यानी कि VL। देखिए प्रेरकत्व को L से डिनोट करेंगे तो VL इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 50 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, परिणामी विभव निकालना है, उसको हम लोग बी कैन डिनोट वी से, इसको वी से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए, देखिए यहां पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यदि एलसीआर परिपथ में, यदि एलसीआर परिपथ में, ठीक है, परिपथ पर, ठीक है, यदि एलसीआर परिपथ पर परिणामी विभव, परिणामी विभव वी हो, विभव वी हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। फॉर्मूला हमारा होता है वी इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, वी इक्वल टू होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस VL माइनस VC। देखिए इसको इरेज कर दूंगा थोड़ा सा, VL माइनस VC स्क्वायर, ठीक है, ये इतना फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको LCR परिपथ में सिरों पर विभवांतर निकाला है, परिणामी विभवांतर, तो आप लिखेंगे VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपको जो प्रतिरोध पर विभव है इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस करके जो आपका प्रेरण कुंडली पर विभव और जो संधारित्र पर विभव, इसको माइनस करके इसका स्क्वायर कर देना है, बस लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से ये न्यूमेरिकल लगेगा और इसी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वी आर की वैल्यू कितनी है, देखिए 40 वोल्ट, 40 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस VL की वैल्यू कितनी है, देखिए वहां पे VL 50 वोल्ट है, माइनस VC की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, तो इनका भी भैया स्क्वायर करेंगे क्योंकि इनका स्क्वायर है, यहां से निकाल लेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, ठीक है। V इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 4 16, ये 1600 आएगा, ठीक है, प्लस 50 में से 20 जाएगा, 30 बचेगा और 30 का हम स्क्वायर कर देंगे, बस सिंपल सा है।
फिर हम क्या करेंगे, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू अंडर रूट 1600 आपका ऑलरेडी है, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ठीक है। अब इस साइड में मैं सॉल्व करता हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ठीक है। फिर v इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए v इक्वल टू आ गया 1600 और 900 जुड़ेगा 1600 और 900 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2500 ठीक। अब 2500 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो सबको पता होगा कितना आएगा, ये आएगा 50 वोल्ट, कितना आएगा 50 गुणे 50 कितना होता है 2500, तो 50 वोल्ट आ जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ठीक है। दैट्स आंसर, यही हमारा आंसर होगा परिणामी विभव। तो देखिए कुछ नहीं था, प्रतिरोध था, संधारित्र था, प्रेरण कुंडली था, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तीनों पर विभव दिया गया था और हमें परिणामी विभव निकालना था। हमने VR, VC, VL तीनों का वैल्यू लगा लिख लिया ठीक है। LCR परिपथ पर परिणामी विभव अगर V है तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। VR वैल्यू रखा मैंने अंडर रूट 2500 आया और 2500 का अंडर रूट जो होता है वो 50 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये था थर्ड न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और यही हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी है, यानी कि आज की क्लास में हम सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के तीन न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे ठीक है। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आगे लेकर आता रहूंगा, तो इन सारे को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो टोटल 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में देखा। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।